अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जा सकते हो। हम इसको जापान को बेस लेकर हम ये वीडियो बनाएंगे तो कहीं भी पहुंचा सकती है, बशर्ते कि आप मेहनत कर सकते हो। अब मैं जो वीडियो बनाता होता हूँ वीजा पे, उसके नीचे कमेंट होता है वीजा कैसे मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी डिटेल मुझे आप पूछते हो वीजा कैसे लगेगा, तो मुझे नहीं पता आपका एजुकेशन कितना है, आप कितना पढ़े हो, तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए ये आज पार्ट वन है, जापान कैसे आ सकते हो पार्ट वन। पार्ट वन में मैं आपको स्कॉलरशिप का तरीका बताऊंगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसका फायदा यह है कि इसमें आपको फ्लाइट वगैरह कवर्ड होती है, आपको यहाँ जब आते हो आपको हॉस्टल पहले से यहाँ आपका बुक्ड होता है, आप रिलैक्स होकर आते हो यहाँ पे। अभी कोरोना में कोई भी वीजा बंद था, सब वीजा बंद थे, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप वाले थे, ये स्कॉलरशिप का नाम है मैक्स स्कॉलरशिप, इनके लिए वीजा खोला गया, इनको लाया गया। अभी जो है कुछ जो आ गए थे कुछ, फिर बाद में फिर ये कोरोना का थोड़ा मसला पड़ा तो फिर ये बंद हो गया, लेकिन लास्ट ईयर भी सब वीजा बंद थे, सिर्फ स्कॉलरशिप वाले उनको जापान में एंटर करने दिए, क्योंकि ये जो है ये इदारा है जो जापान का जो बेस्ट इदारा है, बहुत ही गवर्नमेंट का इदारा है, बहुत ही पावरफुल इदारा है। तो इसका जो बंदा होता है जो इसके थ्रू आता है तो उसका वीजा रिजेक्ट कभी होता भी नहीं है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इस प्रोसीजर को, इसकी क्या कंडीशंस हैं, बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फिर इस ये पार्ट वन है, इसके बाद जो नेक्स्ट में पार्ट बनाऊंगा वो है अगर आप सेल्फ पे आते हो, क्योंकि ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इन पे फॉलो नहीं कर पाते, इतनी परसेंटेज की लिमिट है कि आपकी इतनी एटलीस्ट परसेंटेज होनी चाहिए, अगर आपकी वो परसेंटेज की क्राइटेरिया आपका उससे कम है यदि ये चाहते हैं, तो फिर आप सेल्फ पे अगर आते हो तो फिर आपके पास बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, फिर क्या प्रोसीजर होगा, तो वो फिर एक अलग वीडियो में पार्ट टू इसका जो आएगा वो उसके बारे में होगा। तो आज पार्ट वन है कि जापान कैसे आ सकते हो। पार्ट वन में जो है हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। पार्ट वन स्कॉलरशिप इसलिए कि दिस इज आई थिंक द बेस्ट पे, क्योंकि इसमें आपको टाइम मिलता है, लैंग्वेज सीखने का टाइम मिलता है, वर्क वीजा पे आते हो जैसे आते हो काम शुरू करते हो, आपको एक्सप्लोर करने का जापान को देखने का भी टाइम नहीं मिलता, लैंग्वेज सीखने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप इस प्रोसीजर पे आते हो तो 6 महीने आपको जैपनीज भी सिखाते हैं, उसके साथ साथ जो है आप जो है घूम भी सकते हो, आपके पास एक अमाउंट आ रही होती है तो उस अमाउंट को यूज करके आपको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल जो है बहुत चीप होता है रहने के लिहाज से, आप बाहर अगर रहते हो अपार्टमेंट रेंट करते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, हॉस्टल में रहते हुए आप अपने सेविंग करके आप जापान भी घूम सकते हो, तो आपको घूमने का भी टाइम मिलता है, एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिलता है, दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। तो पहली प्रायोरिटी रखो कि इस पे आओ, अगर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर दूसरे वीजे हैं वर्क वीजा पे, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट टू या पार्ट थ्री जो है इसका वो मैं वर्क वीजा पे बनाऊंगा। सेल्फ पे आते हो, अपने खर्चे पे आते हो, जैपनीज लैंग्वेज सीखने के लिए आते हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा कि 1 ईयर जैपनीज लैंग्वेज सीखने आओ, बिजनेस मैनेजर वीजा पे आते हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अभी हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट की दो स्कॉलरशिप होती है नॉर्मली जापान में, कहते हैं एक होता है बेस्ट, ठीक है, दूसरा अगर नाम है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब सूबाई स्कॉलरशिप। सूबाई स्कॉलरशिप में क्या होता है, जिस यूनिवर्सिटी में जिस सूबे में वो यूनिवर्सिटी है उस सूबे के नाम से वो स्कॉलरशिप होती है। जिस तरह आप जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो नगोया सिटी में है, नगोया सिटी जो है वो आइची प्रीफेक्चर में आता है, मतलब उसका जो प्रोविंस है सूबा जो है वो आइची है, ठीक है, तो आईची में फिर आईची प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उसका नाम है। अगर आप किसी और दूसरे किसी सूबे में हो जिस सूबे में वो यूनिवर्सिटी है तो वो भी होती है, ठीक है। अगर प्रोफेसर कहता है मेस्ट के लिए मुश्किल है तो आप ये वाली स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हो। मेस्ट का सबको पता होता है, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है बहुत कम लोगों को पता होता है, अमाउंट बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बिल्कुल अच्छा जो सबसे जो पावरफुल इदारा है वो मेस्ट है, कोशिश करोगे मेस्ट मिलेगी, लेकिन मेस्ट नहीं मिलती ये भी मिलती है, तो दैट्स ऑल्सो प्रोसीजर दोनों का सेम है, प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है, फॉर्म चेंज होगा जस्ट जब आप अप्लाई करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जब आप अप्लाई करते हो तो इस जगह पे अगर मैथ्स के लिए अप्लाई करते हो तो मैथ्स का फॉर्म भरोगे, अगर इस स्कॉलरशिप करते हो तो फॉर्म इसका भरोगे, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब जो है मान लीजिए इसमें फ्लैट आप कवर्ड होती है, जब आप आओगे आपको फ्लैट गवर्नमेंट आपको फ्लैट भेजेगी, और जब आप स्टडी खत्म करके वापस पाकिस्तान जाओगे तब भी फ्लैट आपको गवर्नमेंट ऑफ जापान जो ये इदारा है उनका बेस्ट वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट है, ये बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है, और ये जो है पीएचडी के लिए भी है। अब जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कुछ बैचलर्स में, बैचलर्स के लिए आपको इंटरमीडिएट होना लाजमी, इंटरमीडिएट मतलब एफएससी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ 12वीं जमायत, तो आपको 12वीं जमायत पास होना लाजमी है विद 80% होना लाजमी है आपका, पहले कम थी लेकिन पिछले साल ने रिक्वायरमेंट बढ़ाई है, तो अगर आपकी 80% है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मास्टर के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको बैचलर्स आपका लाजमी होना चाहिए विद 75%, जो आपने बैचलर्स किया हो 75%, ये मिनिमम 75 है,
जो बिल्कुल जो ये मैक्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ यूनिवर्सिटी की खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्स ने कहा है कि आप 75 पे उठा सकते हो, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं हमें 85 या 90 वाले स्टूडेंट चाहिए, तो यूनिवर्सिटी आपको इस बेसिस पर रिजेक्ट भी कर सकती है। जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतना बेहतर है, लेकिन अगर 75 है तो यू आर एटलीस्ट एलिजिबल। अगर इससे कम है तो फिर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप के लिए। और पीएचडी के लिए आपकी मास्टर्स में 75 होना चाहिए, आपका मास्टर आपकी डिग्री होनी चाहिए, लाजमी है। ठीक है, अगर जिस दिन का कुछ 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 अर्से बाद ग्रेजुएट होंगे, मुझे अक्सर ये सवाल आते हैं मैं 4 महीने बाद ग्रेजुएट होंगे, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं होप सर्टिफिकेट या अपीयरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कुछ केस में उसको। तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी जहां से आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो वहां से आपको सर्टिफिकेट लो और अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसकी जो एज लिमिट है बैचलर्स के लिए आपका 22 साल होना लाजमी है। अगर आप 22 साल से ऊपर हो तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप फॉर बैचलर्स। ठीक है, और अगर मास्टर्स के लिए आपकी 30 साल उम्र लिमिट है, 30 साल से आप 30 साल तक ठीक है, 30 साल से नीचे ठीक है, 30 साल से ऊपर भी हो, 30 से प्लस हो, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स। फॉर पीएचडी द एज लिमिट इज 35, 35 हो, 35 से नीचे नीचे हो, यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। अगर इससे अगर आपकी एज ऊपर है तो नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक, अमाउंट, अमाउंट कितना आपको मिलेगा, आपने आपकी ट्यूशन माफ है, आपका सब कुछ माफ है, जब आप यहाँ पे आओगे आपको हर महीने एक पेमेंट मिलेगी, स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी, कितनी आएगी, तो ये बैचलर्स के लिए है वो है 1,90,000 आपके अकाउंट में आएंगे, आपको गवर्नमेंट ऑफ जापान आपको देगी। उसके अलावा मास्टर्स के लिए 2,27,000 आपके अकाउंट में आएंगे हर महीने, पीएचडी के लिए 2,32,000 आपके अकाउंट में आएंगे हर महीने। ठीक है, अब जो है ये जो मैक्स्ट है इसके होते हैं दो प्रोसीजर, एक को कहते हैं मैक्स्ड बाय एम्बेसी रिकमेंडेशन और एक को कहते हैं मैक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। जो मैक्स्ड बाय एम्बेसी रिकमेंडेशन है, जो बैचलर्स है वो सिर्फ मैक्स्ड बाय एम्बेसी रिकमेंडेशन में अप्लाई कर सकते हैं, मैक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन मास्टर और पीएचडी वाले इस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर और पीएचडी वाले एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जब एम्बेसी जो है वो हर साल स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, हर साल जो है जीएसटी डेडलाइन होती है इधर अप्रैल में ओपन होता है, अप्रैल से मई या जून में, जून पिछले साल जो थी आई थिंक 27th या 28th मई उसकी डेडलाइन थी, मई की 28 को वो खत्म हो गई थी उसकी डेडलाइन थी। आपने पहले पहले अप्लाई करना है, ओपन होगी अप्रैल में, मई के एंड में या जून के स्टार्ट में उसकी डेडलाइन होती है, तो आपको इस टाइम में अप्लाई करना है। उसका टेस्ट होता है, जो बैचलर्स वाले होते हैं उनका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश इनका होता है, अगर आप मेडिकल के बैकग्राउंड के हो तो फिर आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा, उसकी जगह आपका बायोलॉजी होगा। और यहाँ पे मास्टर और पीएचडी वालों का सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होता है। ये होता है जब आप एम्बेसी में अप्लाई करते हो, जब आप यूनिवर्सिटी वाले प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करते हो तो फिर आपका कोई टेस्ट नहीं होता, फिर आपको प्रोफेसर आपसे एक इंटरव्यू लेता है। तो अगर हम बात करें कि दोनों में से इजी प्रोसीजर कौन सा है, तो इजी जो प्रोसीजर है वो है मैक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। इस प्रोसेस में आपको प्रोफेसर आपसे एक इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता। तो मैक्स्ड बाय एम्बेसी में आपको टेस्ट भी देना पड़ता है, उसके अलावा आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए फिर बहुत सारे लोग होते हैं उनमें, अगर आप सिलेक्ट हुए तो फिर आपको एम्बेसी आगे रिकमेंड करेगी यूनिवर्सिटी के लिए। तो यूनिवर्सिटी प्रोसेस में आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्रोच करते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको अप्लाई दोनों में करो, दोनों को ट्राई करो, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन आपका इजी प्रोसीजर है, उसमें आपको वेट भी नहीं करना। आप ईमेल को प्रोफेसर को ईमेल करते हो और प्रोफेसर से ईमेल करके उनको कहते हो कि मैं जो है आपकी सुपरविजन में मास्टर्स करना चाहता हूँ या पीएचडी करना चाहता हूँ, तो वो आपको ईमेल का फॉर्मेट दिखा दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढे, यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढे और प्रोफेसर कैसे ढूंढे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा ये फिलहाल डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढूं, तो मैं उसी सेम क्वेश्चन को जिस तरह मुझसे पूछा जाता है गूगल पे डालता हूँ, कैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि यूनिवर्सिटीज कैसे सर्च करनी होती हैं। आप मुझसे पूछते हो, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम आपको मैं सिखा देता हूँ हाउ टू आस्क फ्रॉम द गूगल। तो इस वक्त जो है मोहतरम जनाब गूगल साहब जो है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं, अभी आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं पता आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप किस तरह सर्च करोगे, जिस तरह मेरा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन जापान लिखा आ गया, तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन जापान, ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लिस्ट आ जाएंगी जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये मतलब जो है जो टॉप यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम इसको ओपन करते हैं। अब इसने 63 जो है बेस्ट
मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन जापान जो है उसकी हमें लिस्ट दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जापान में नंबर वन पे है, एशिया में 12वें नंबर पे है, पूरे दुनिया में जो है 34th नंबर इसकी रैंकिंग है और मुझे लगता है मुझे यहाँ पे जॉब मिलने वाली है इंशाल्लाह अल्लाह करे, ठीक है। और उसके अलावा जो है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ओसाका यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तोहोकू यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योशो यूनिवर्सिटी में, नगोया यूनिवर्सिटी में, क्योतो यूनिवर्सिटी में, ये क्योयो यूनिवर्सिटी है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी, यानी ये लिस्ट काफ़ी सारी है, 62 इसने यूनिवर्सिटीज़ हमें बताई जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब आपको ढूंढना है प्रोफेसर, ढूंढना है सबसे पहले। अब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कहाँ पर मिलेगी, मिसाल के तौर पर अब मेरी सिटी में यूनिवर्सिटी है नगोया यूनिवर्सिटी, नगोया यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर ये गूगल करोगे, आप गूगल करोगे आपको नगोया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी, ये आ गई नगोया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सामने, नगोया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपने कैसे ढूंढना है और जो है प्रोफेसर जो है उसकी ईमेल आपको कहाँ पे मिलेंगी मैकेनिकल के प्रोफेसर की। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट टास्क जो है ये मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ के वेबसाइट से, फिर आगे किस तरह हम जाएंगे, प्रोफेसर आप कैसे ढूंढेंगे ये मैं आपको बताऊँगा कि प्रोफेसर आपको ये स्कूल्स में जाएंगे आप, प्रोफेसर आपको कहाँ से मिलेंगे और उसके अलावा जो है आप प्रोफेसर को क्या लिखोगे मैं आपको ये भी बता दूंगा। अब ये यहाँ पे जो है स्कूल्स हैं, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, ठीक। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आ गए, ये ऑलरेडी यहाँ पे इस वक्त इंग्लिश में, अगर ये इनकेस यहाँ पे आपके पास जापानीज में ओपन हो, अगर इस तरह हो तो आप यहाँ पे ये इंग्लिश को क्लिक करके तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जो है हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इनके पास डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, ये आपको लिखा है। अब इंजीनियरिंग सेक्शन में यहाँ पे जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये आप देखिए यहाँ पे अब आ जाएंगे डिपार्टमेंट्स। अब इसमें केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, मटेरियल है, अप्लाइड फिजिक्स है, मटेरियल फिजिक्स है, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस, मटेरियल प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी, ये सिर्फ इंजीनियरिंग है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कि आप देख सकते हैं कितने डिपार्टमेंट हैं। इस तरह आपकी जो भी फील्ड है आप अपनी फील्ड के हिसाब से अपने उस सेक्शन में जाके और फिर उसकी फर्दर सब डिवीजन आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए हैं और ये इधर जो है ये ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं। अब इनमें से हम मिसाल के तौर पे हम इनमें से कोई चूज़ करते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल कि मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग में हम जाते हैं, ये यहाँ से जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये जापानीज़ में ओपन होती है तो यू कैन कन्वर्ट दिस वेबसाइट, कि यहाँ से आप इनका इंग्लिश वर्जन ओपन कर सकते हैं तो जो है अब इंग्लिश में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में आ जाएगी। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं ये लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फील्ड से रिलेवेंट कौन सी लेबोरेटरी है जो आपकी फील्ड में काम कर रही है। यहाँ पे एनर्जी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, उसके अलावा स्टैटिकल फ्लूइड इंजीनियरिंग है और ये आप उनकी सारी यहाँ से डेटा पढ़ सकते हैं उनकी डिटेल के, वो किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे हम किसी भी यहाँ से एक सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे हम ये वाली लेबोरेटरी सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे ओपन करोगे इसको, तो जैसे ये ओपन हो गई अब यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है तो ये आपने यहाँ पे इंग्लिश में इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे। अब जो है अगर यहाँ पे कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है ये आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब ये सारी जापानीज़ में है तो आप यहाँ पे ये गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद जब ये ओपन हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है मेंबर्स का, तो आप इसमें जाएंगे मेंबर्स में, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रही उसके बावजूद फिर आप जो है गूगल से इसको ट्रांसलेट करें। जी बिल्कुल, तो अब ये जैसे ही आप इस यहाँ पे ओपन आए, यहाँ पे आपने ओपन की है वेबसाइट तो उसके बाद जो है अब ये जो है नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोफेसर है ताकेशी इनोए और उसके अलावा जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये इन्वाइटेड प्रोफेसर है, तो आप कॉन्टेक्ट करेंगे प्रोफेसर के साथ, ठीक है। प्रोफेसर को आप यहाँ से
ओपन करेंगे तो इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये अगर जो है जैपनीज में है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, और यहाँ भी ये इसकी ईमेल है। तो यहाँ से जो है ये इसकी ईमेल एड्रेस है और ये इसका सारा जो है ये किस चीज़ पे है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी फील्ड में काम कर रहा है, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। तो मेरा भी ये वाइब्रेशन एनालिसिस कंट्रोल, तो रोटर सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी फील्ड से, जो मैं पीएचडी में रिसर्च कर रहा हूँ ये बिल्कुल उससे रिलेवेंट प्रोफेसर है। तो यहाँ से जो है आप, ये इसकी ईमेल है, ये यहाँ से कॉपी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पिक्चर अपलोड की है, तो यहाँ से आप इसको लिख लें, कोई उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, इजी बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ से जो है ये ईमेल जो है आप अपने ईमेल उसमें लिख लें, ईमेल के एड्रेस में, और उसके बाद उसको क्या लिखना है अब आपको मैं ये बताऊँगा कि अब क्या लिखना है, और ये भी बताऊँगा कि जब ये ओके करता है कि यस ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट यू, तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स इस प्रोफेसर को सेंड करने हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। मैं ये मेरा वे है, आप इसे एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। मैं चीज़ों को सिंपल रखने में बिलीव करता हूँ, तो दे बिल्कुल ही सिंपल एक ईमेल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कोई भी बड़ी हैवी इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक ईमेल है जो मैं लिखता था ड्यूरिंग माय मास्टर्स। जब मैं मास्टर्स के फाइनल ईयर में जब मैं आया था तो मैंने प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो ये वो वाली ईमेल है सेम जो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर्स को सेंड की थी। तो मुझे जो है फिर 3 स्कॉलरशिप मिली थी, चाइना में मैंने मास्टर किया था, फिर चाइना में पीएचडी मिली थी, और एक यूरोप में, चेक रिपब्लिक में, और एक जापान में, एंड मैंने जापान चूज किया। ठीक, अब ये जो है आई बी फिनिशिंग माई एमएस डिग्री। अगर आप फिनिश कर चुके हो तो यू टू से आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई बी फिनिशिंग माई एमएस डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट चोंगचिंग यूनिवर्सिटी चाइना दिस ईयर, एंड कंसिडरिंग टू अप्लाई पीएचडी प्रोग्राम, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर रिसर्च ग्रुप। आई विजिटेड योर प्रोफाइल एंड स्टडीड फ्यू ऑफ योर आर्टिकल्स। आप उनके आर्टिकल जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है उनके लिंक भी देते हैं, तो बेहतर ये कि आप सिर्फ रिलेवेंट प्रोफेसर्स को रब्ता करें, जो रिलेवेंट हैं वो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशली प्रोफेसर यही चाहते हैं, जिस तरह जॉब में होता है कि अगर जॉब वाले चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस बंदा मिले, तो प्रोफेसर भी यही चाहता है कि अगर बंदा उसकी फील्ड का एक्सपीरियंसड होगा तो उसको उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं मास्टर्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या अपने मास्टर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में ये मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने मास्टर्स में किस चीज़ पे रिसर्च की है, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, और उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, जो जो आपने, चाहे वो आपने कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश किए हैं, चाहे वो आपने कोई पोस्टर प्रेजेंट किया है, कुछ भी किया है, जो भी डिटेल है, लेकिन उस प्रोफेसर से अगर रिलेवेंट हैं तो आप उनकी लिंक आप यहाँ पे कर दें। अब मैंने जो है यहाँ पे जो है ये अपना उनका नाम भी, टाइटल भी, और साथ में लिंक भी, ताकि वो खुद इजीली अब इसको ओपन, अगर देखना होगा वो यहाँ से ये कॉपी करके मेरी प्रोफाइल, मेरे पेपर्स जो हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस पेपर हैं या जर्नल में पेपर हैं, वो ये खुद यहाँ से देख सकता है। और एंड में आप उसको बता सकते हो कि आप अप्लाई करना चाहते हो फुली फंडेड मैक्स्ड स्कॉलरशिप के लिए, ताकि उसकी उसकी नॉलेज में हो कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। तो ये एक सिंपल एक ईमेल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे प्रोफेसर का नाम आपने लाजमी लिखना है, और अगर प्रोफेसर फुल प्रोफेसर है तो यहाँ पे आपने प्रोफेसर लिखना है, अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपने डॉक्टर लिखना है। ठीक हो गया। अब ये जो है लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जब आपको प्रोफेसर मिल जाएगा तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको प्रोफेसर को सेंड करने, पहले आपको ईमेल करके सेंड करना है, उसको चेक करवाना है। स्पेशली जो इनमें से चेक करवाने वाली जो चीज़ है वो ये है, ये जो रिसर्च प्लान है आपका एंड समरी ऑफ योर थीसिस, ये जो है ये मेन चीज़ें हैं, आपने उसे चेक करवानी है, क्योंकि ये जो है ये बहुत मैटर करेंगे जो है आपके उसमें आपके प्रोफाइल को जो है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये आप उससे चेक करवाइएगा, प्रोफेसर को ईमेल करके सेंड करिएगा, उसके बाद जब वो कहता है कि हाँ ठीक है, जो चेंजिंग करने के लिए कहता है आप चेंजिंग करके दोबारा उसको ईमेल करें, जब वो ओके करता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये पोस्ट करने हैं हार्ड कॉपीज, ठीक है। और पोस्ट जो है आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट जो है आप कर सकते हैं बाय DHL और बाय पाकिस्तान पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पाकिस्तान पोस्ट से करें, अदरवाइज DHL। तो अब इनमें से एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कहाँ से मिलेंगे, प्रोफेसर मान जाता है, आप यूनिवर्सिटी के ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी के जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को कि मुझे फॉर्म्स चाहिए मैक्स के, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए बिकॉज मुझे ये वाला प्रोफेसर आप मिल गया है, तो वो आपको फॉर्म सेंड करेंगे। रिकमेंडेशन लेटर सिर्फ एक चाहिए,
जहां से आपने बैचलर्स किया है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जहां से आपने मास्टर्स किया है तो उस डिपार्टमेंट के हेड से, जो आपका जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिसको चेयरमैन बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, उससे। उसके अलावा तीसरा जो है आपको कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ डिग्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये भी आपको, अगर आपके पास आईएलटीएस टॉफिल है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप जहाँ से आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, आप उनको बोलें कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टडी प्लान आपने बनाना है तो स्टडी प्लान भी जो है आप सर्च करेंगे गूगल पे किस तरह बनाना है, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि स्टडी प्लान किस तरह बनाना है, तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा समरी ऑफ योर थीसिस, आपको अपनी थीसिस जो है आपका, आपको उसको समराइज करना है तकरीबन 8 से 10 पेजेस में। आपने अगर 60 70 80 जितने पेजेस का लिखा है, आपको उसके मेन मेन पॉइंट्स रखने हैं और बाकी चीजों को स्किप करना है, और 8 से 10 पेजेस में समराइज करना है आपको अपने थीसिस को। जो मेस्ट बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का प्रोसीजर है, जिस पे मैं यह वीडियो बता रहा हूँ, उसका उसकी जो डेडलाइन है, जो मेस्ट बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की जो डेडलाइन होती है, वो होती है नवंबर से लेकर जनवरी तक। हर यूनिवर्सिटी का अलग करती है। अब आपको प्रोफेसर को ईमेल्स करने हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आपका प्रोफेसर मिलेगा, या तो उसके दिसंबर के एंड में उसकी डेडलाइन होगी उस यूनिवर्सिटी, आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग होगी, लेकिन यहाँ से अप्लाई शुरू करोगे आप नवंबर से। प्रोसेस आपने अभी स्टार्ट करना है, आपने वेट नहीं करना कि नवंबर जनवरी आए तो मैं फिर प्रोसेस शुरू करूंगा, नहीं। आपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो भेजने हैं यूनिवर्सिटी में, वो ये टाइम है नवंबर से, नवंबर दिसंबर जनवरी, हर यूनिवर्सिटी की अलग होगी। अब जो है कुछ यूनिवर्सिटी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी थी, कुछ यूनिवर्सिटी की होती है वो होती है 15 जनवरी, कुछ की होती है 2 जनवरी, हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। तो अगर आप इस सिचुएशन में अप्लाई करते हो तो फिर आप आओगे अक्टूबर में आप यहाँ पे जापान में पहुंचोगे, ठीक। अब जो है आप सब कुछ अपना पहले से रेडी रखो, प्रोफेसर से अभी से आप ईमेल करो, वो मैं आपको बता दूंगा ईमेल्स में क्या लिखना है। प्रोफेसर को अभी से ईमेल करो, अभी से रब्ता करो, अभी से उनसे कॉन्टेक्ट करो, डॉक्यूमेंट आपके सारे प्रिपेयर्ड हो, जैसे ही नवंबर ओपन हो आपके डॉक्यूमेंट वहां से आप पोस्ट करोगे प्रोफेसर की एड्रेस पे। यूनिवर्सिटी को नहीं भेजोगे, प्रोफेसर को सेंड करोगे, प्रोफेसर को पोस्ट करके भेजोगे। प्रोफेसर आपको अगर ज्यादा भी मिले, आप ईमेल बहुत सारे प्रोफेसर को करते हो, अगर प्रोफेसर आपको ज्यादा भी मिले तो आपको सिर्फ एक एक सिलेक्ट करना है, एक यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर। अगर दो यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करती हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती हैं मैक्स को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्स आपको दोनों से रिजेक्ट कर देगी। तो एक प्रोफेसर और एक यूनिवर्सिटी। अगर आप ईमेल बहुत करो, ईमेल जितना वो करते हो नो प्रॉब्लम, एट द एंड सिलेक्ट एक ही करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।